हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ट्रिक्स जिनके थ्रू आप इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, इन क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यदि आप बैंकिंग एग्जाम्स के सीरियस एस्पिरेंट हैं, यदि आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं या SBI PO 2020 की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए और समझिए, और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है, चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हों या एग्ज़ाम दे रहे हों, कहीं पर भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। और यही है सबसे बड़ा सीक्रेट रैंकर्स का। रैंकर्स इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर वन है। अनदर की अचीवमेंट इज़ द यूज़ ऑफ एन। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर एन लगा हुआ है तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो वोवेल साउंड से शुरू होता है। तो एक तो ट्रिक ये हुई, एक ये लॉजिकल लॉजिकल ट्रिक हुई या लॉजिकल रेफरेंस पॉइंट हुआ आपका, कि चूंकि एन लगा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो वोवेल साउंड से शुरू होता है। अब देखिए, दूसरा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरा किस तरीके से, ये ट्रिक्स मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिकली लॉजिक्स हैं कि किस तरीके से लॉजिक्स को इस्टेब्लिश आपको करना है और इसके थ्रू सही आंसर तक आपको पहुंचना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डेवलप्ड क्रायोजेनिक स्टेज। स्टेज क्या है, इसमें नाउन है। स्टेज क्या है, एक चीज़ का नाम है तो इसलिए नाउन है। क्रायोजेनिक यदि देखें तो एक एडजेक्टिव है। स्टेज कैसी है, क्रायोजेनिक है, और क्रायोजेनिक के अलावा वो डेवलप्ड है, तो डेवलप्ड भी तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव हुआ। डेवलप्ड मतलब उसको डेवलप किया गया है, किसी चीज़ को डेवलप्ड किया गया है, तो ये किसी चीज़ के बारे में, किसी नाउन के बारे में आपको बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, एक नाउन के लिए इसमें दो एडजेक्टिव हैं। स्टेज एक नाउन है, क्रायोजेनिक एक एडजेक्टिव है और डेवलप्ड एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। ये सिंपल सा बेसिक है, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर आप थोड़ी सी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या क्वालिफाई करेगा आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब में नॉर्मली ज़्यादातर एडवर्ब में एल वाई लगा रहता है, क्लेवरली, स्विफ्टली, ठीक है, ये सारे एडवर्ब होते हैं, स्मार्टली। अब देखिए ये जो वर्ड है इंटीजेनसली, इसमें एल वाई भी लगा है और इसमें आई की साउंड भी है, ये दोनों ही पैरामीटर्स पर आपका कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा थर्ड। अब देखिए इस ट्रिक से आपने क्वेश्चन को किया, मैंने यहाँ से पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, मुझे किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मैंने इन वर्ड्स के मीनिंग को जानने की कोशिश भी नहीं की, उसके बावजूद भी मैं सही आंसर तक पहुँच गया। तो ये है एक सही तरीका बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, उसका अर्थ निकालते हैं, सारे मीनिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और उसके बावजूद भी एक्यूरेसी आपकी नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन का एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला जा रहा है और कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, और मीनिंग्स का एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सारे वर्ड सभी को नहीं आ सकते। इंडिजेनसली का मतलब है जिसको स्वदेश में बनाया गया, अपने देश में बनाया गया है, तो इंडिजेनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक स्टेज की इसमें बात हो रही है, ठीक है। इंडिजेनसली का मतलब है कि अपने देश में ही, अपनी कंट्री में ही, स्वदेश में ही उसको बनाया गया है। इंडिजेनसली डेवलप्ड है, ये फॉरन में डेवलप्ड नहीं है, इंडिजेनसली डेवलप्ड है। तो ये है क्वेश्चन को करने का सही तरीका, और ये तरीका आप डेवलप कर सकते हैं रीडिंग से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, और यहाँ पर भी देखिए मैं आपको ट्रिक ही बताऊँगा। दिस कैन बी डन बाय स्विचिंग ओवर टू इलेक्ट्रिक। अब देखिए इलेक्ट्रिक यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हमने बोला, तो वो बल्ब कैसा है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब नाउन हो गया, इलेक्ट्रिक एडजेक्टिव हो गया, जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो इलेक्ट्रिक क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, यहाँ पर आपको नाउन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नाउन को ही तो ये मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब एक एक लिंक तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, अब मैं दूसरा लिंक बताता हूँ, फॉर ऑर्बिट राइजिंग। देखिए ये एक कीवर्ड है, राइजिंग, ठीक है। अब देखिए इस कीवर्ड से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, और इस कीवर्ड से रिलेटेड जो वर्ड है वो है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब है बाहर की तरफ फेंकना, ठीक है,
तो ऑर्बिट जब राइज करता है, ऊपर जाता है, तो उसको प्रोपेल किया जाता है, और प्रोपेल का जो नाउन फॉर्म है वो है प्रोपल्सन। तो प्रोपल्सन आपका यहाँ पर नाउन भी हुआ, यदि ये एडजेक्टिव से जुड़ा जाए तो यहाँ पर नाउन भी ही हुआ, और इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी ये वर्ड सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रोपल्सन। आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता हो ये जरूरी नहीं है, या इस सारे क्वेश्चन का इसका कॉन्टेक्स्ट पता हो या मीनिंग पता हो ये जरूरी नहीं है, एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, और ये है एक सही तरीका, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, प्रोपल्सन यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। स्पेलिंग आउट द प्रायोरिटीज, द एमपीसी हैज सेड मॉनिटरी पॉलिसी कैन बी इफेक्टिव ओनली। देखिए एमपीसी ने ये बोला है, अब सपोज आपको एमपीसी का मतलब नहीं पता, लेकिन ये कोई भी कमेटी या कोई भी एक कंपनी हो सकती है, कमेटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म नहीं पता, मीनिंग्स नहीं पता, सेंटेंस को पूरा आप पढ़े बिना भी आप क्वेश्चन का सही आंसर आप निकाल सकते हैं। केवल एक जनरल आइडिया, इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंस आपके अंदर होना चाहिए। देखिए स्पेलिंग आउट द प्रायोरिटी, द एमपीसी हैज सेड मॉनिटरी पॉलिसी कैन बी इफेक्टिव, मतलब जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव हो सकती है ओनली व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ रिवाइव्ड। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवाइव हो गया है, वो फिर से उसमें एक जान आ गई है, द बैंकिंग सेक्टर हेल्थ इज रिस्टोर्ड, और बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है उसको रिस्टोर कर लिया गया है। मतलब यहां पर हम ये तरीके बता रहे हैं कि इस तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है। मॉनिटरी पॉलिसी का तभी इफेक्टिव हो सकती है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हो वो उसको रिवाइव किया जाए, बैंकिंग सेक्टर हेल्थ को रिस्टोर किया जाए। यहां पर ये सॉल्यूशंस बता रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित किसी चीज को रिमूव किया जाए। तो किस चीज़ को हम रिमूव करेंगे? यहाँ पर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं कि इसको रिवाइव किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए, और किस चीज़ को हम रिमूव करें ताकि एक एक पॉजिटिव पॉजिटिवली मॉनिटरी पॉलिसी हमारी इफेक्टिव हो। तो हम रिमूव किस चीज़ को करेंगे? रिमूव हम नॉर्मली निगेटिव चीज़ को ही करेंगे। तो निगेटिव चीज़ इसमें कौन सी है? बॉटल नेक्स जो है ये निगेटिव है। बॉटल नेक्स का मतलब होता है रुकावटें। ठीक है, अब देखिए एक तो बॉटल नेक्स, इस हिसाब से बॉटल नेक यहाँ पर सही आंसर हो सकता है, और एक आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, तो बॉटल नेक्स क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि नाउन में ही हम एस लगाते हैं, इसमें एस लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ये है सही तरीका कम से कम टाइम में पूरी एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को करने का, और ये सारी ट्रिक्स मैं अपने पेड कोर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, प्री के लिए और मेंस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताता हूं आपको। देखिए सपोज यहां से ये क्वेश्चन है, यहां पर आप देखिए अपबीट लिखा हुआ है, आपको केवल केवल लिंक्स को एस्टेब्लिश करना है, केवल कीवर्ड्स को देखना है। अपबीट क्या हो सकता है? अपबीट एक एडजेक्टिव है, अपबीट का मतलब होता है काफी काफी पॉजिटिव। तो क्या चीज पॉजिटिव हो सकती है? तो यहां पर उस नाउन को आपको लाना है, वही इसमें आपका आंसर होगा। क्या स्ट्रेंज्ड अपबीट होगा? ये तो नाउन ही नहीं है। ठीक है, नाउन है इसमें प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं। ठीक है, तो पॉजिटिव अपबीट प्रोस्पेक्ट्स यानी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की हम इसमें बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका आंसर होगा प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स नाउन भी है, तो नाउन नाउन के पैरामीटर के हिसाब से भी ये सही है, और अपबीट के हिसाब से भी ये सही है। अपबीट का मतलब होता है पॉजिटिव। तो देखिए कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को मैं करके बता रहा हूँ आपको, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के रियल क्वेश्चंस हैं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रियल एग्जाम में। चलिए देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए लेइंग आउट इट्स रीजनिंग फॉर ऑप्टिंग टू रिमेन वॉचफुल, द आरबीआई हैज रेज्ड, आरबीआई ने रेज्ड किए हैं कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस, कुछ रिलीवेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द आउटलुक फॉर प्राइस स्टेबिलिटी द। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस रेज किए हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कौन सा है। द इम्पॉर्टेंट बींग मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आरबीआई का। तो इम्पॉर्टेंट का इक्विवेलेंट एक वर्ड यहाँ पर आपको चाहिए, और इम्पॉर्टेंट का इक्विवेलेंट वर्ड है फॉरमोस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ें हैं, पांच चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे सबसे टॉप की और सबसे टॉप प्रायोरिटी की चीज़ जो है वो ये है। तो यहाँ पर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा फॉरमोस्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ पूरा ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, तो यहां पर क्या चाहिए आपको, आपको आपको वर्ब चाहिए। देखिए ये है एक्चुअली बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का, ये है सब्जेक्ट और अ सीरियस चैलेंज आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर आपको एक वर्ब चाहिए। यहां पर अब वर्ब इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। देखिए ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स अ सीरियस चैलेंज, मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक सीरियस चैलेंज रखते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स का मतलब है कि ऐसे माइक्रोब्स जिनके ऊपर दवाइयों का कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट को और मेडिसिन से जुड़े हुए लोगों को नई तरह की दवाइयाँ ईजाद करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए ये एक सीरियस चैलेंज है और ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स की वजह से एक सीरियस चैलेंज क्रिएट होता है। तो चैलेंज क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए, क्रिएट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पोज। पोज का मतलब होता है चैलेंज रखना, चैलेंज देना। पोज अ चैलेंज, पोज अ प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके अलावा पोज एक वर्ब भी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये केवल वर्ब की ही पोजीशन हो सकती है और वर्ब इसमें से पोज है। पोज कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी सही है, पोज सेंस के अकॉर्डिंग भी सही है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको, एक्सेस टू स्पीडी एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यहाँ पर नाउन हुआ, डायग्नोसिस एक चीज का नाम है, डायग्नोसिस नाउन हुआ, तो यहां पर क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। एक एडजेक्टिव ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर, स्पीडी, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसा हो सकता है, स्पीडी के अलावा और कैसा हो सकता है? स्पीडी के अलावा डायग्नोसिस सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डायग्नोसिस हो वो एक्यूरेट हो, उसमें गलती ना हो, ठीक है। यदि आपको मलेरिया है तो डायग्नोसिस आपको मलेरिया बता रहा है, यदि आपको टाइफाइड है तो डायग्नोसिस आपको टाइफाइड बता रहा है। तो ये होता है स्पीडी एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस। और एक्यूरेट जो वर्ड है ये स्पीडी के साथ लॉजिकली जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस नाउन है तो यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में केवल एक्यूरेट ही आ सकता है, एक्यूरेट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा आपका एक्यूरेट। एक नया वर्ड आया है एलफ्रेस्को, ये एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है खुली हवा में, इन ओपन ईयर। कोई भी काम या कोई भी एक्सपीरियंस आपका ओपन ईयर में है तो उसको हम बोलते हैं एलफ्रेस्को, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स की मैं एक सीरीज चला रहा हूँ englishiq.in पर, और इस साइट पर जाके आप इन सारे वर्ड्स को आप देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन सी बेहतरीन टेस्ट सीरीज हो सकती है IBPS PO के लिए और SBI PO के लिए। एक टेस्ट सीरीज है स्मार्ट कीड़ा के नाम से, इसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये टेस्ट सीरीज आप लें और इसके थ्रू आप IBPS PO की और SBI PO की तैयारी करें, डेफिनेटली इसमें एकदम फ्रेश कंटेंट है और काफ़ी अच्छा इसमें एनालिसिस है। देखिए विद इन द ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, विद इन द मतलब यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, द लगा हुआ है इसका मतलब नाउन चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिस का जो दायरा है, विद इन से हमें पता पड़ रहा है कि हम एक दायरे की, एक सर्किल की, एक एरिया की बात कर रहे हैं, हम एक रीजन की बात कर रहे हैं, हम एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये आपको रीडिंग से आपको सेंस क्रिएट हो जाएगा। तो विद इन द यहाँ पर जो आएगा वो आएगा रेंज के इक्विवेलेंट, एक वर्ड आएगा रेंज या एरिया या उसका स्कोप क्या है, और रेंज एरिया स्कोप का इक्विवेलेंट वर्ड है रीलम, रील्म, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा रील्म। मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैंने सारी मीनिंग्स को नहीं देखा, मैंने केवल कॉमन सेंस को अप्लाई किया और सही आंसर बिल्कुल मैंने आपको बताया, ठीक है। नाइन्थ देखते हैं, द WHO क्लासिफिकेशन कैन मिटिगेट द प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर देखिए WHO क्लासिफिकेशन, यहाँ पर किसी कोई नई चीज आई है, कोई नई चीज आई है तभी तो हम ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मिटिगेट हो सकती है। क्या क्या चीज मिटिगेट हो सकती है? प्रॉब्लम कम हो सकती है, प्रॉब्लम मिटिगेट हो सकती है, यानी कोई नई चीज WHO ने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। तो नई चीज क्या हो सकती है? नई चीज का मतलब है रिवाइज्ड, उसको रिवाइज किया गया है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 4। किनेसिक्स एक साइंस होती है, जेस्चर से रिलेटेड एक साइंस होती है, ये सारे वर्ड मीनिंग्स में आगे वाले वीडियोज में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा।
तो ऐसे आपको करना है। अब देखिए, विद ए ग्रेडेड अप्रोच टू द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अंडर विच सम मेडिसिन्स आर रिजर्व्ड फॉर द मोस्ट माइक्रोब्स, कुछ मेडिसिन्स को ऐसे माइक्रोब्स के लिए रखा गया है, मोस्ट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स नाउन है, यहां पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव में क्या बोलेंगे आप, मोस्ट रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, कुछ मेडिसिन्स को रिजर्व रखा गया है ऐसे माइक्रोब्स के लिए जो रेजिस्टेंट है, जिनके ऊपर दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नॉर्मली नॉर्मल दवाइयों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए कुछ मेडिसिन्स को उनके लिए रिजर्व रखा गया है क्योंकि वो रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये है एक सही तरीका क्वेश्चंस को करने का। इस वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस ही लिए हैं और आगे की क्लास में मैं सारे क्वेश्चंस, चाहे वो पैराजम्बल हो, क्लोज टेस्ट हो, स्पॉटिग्राफ के क्वेश्चंस हो, सभी को इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना बताऊंगा और डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और यदि आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।